गाइस, सो हम लोग जा रहे हैं डिनर करने आज कहीं बाहर बहुत दिन के बाद। और मुझे लग रहा है ना, मैं अब फेस ज़्यादा दिख नहीं रहा, ये आप जो देख रहे हैं ना मेरे पसीना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। और मैं अभी एक जस्ट वीडियो भी शूट किया ना, इसलिए और गर्मी लग रही है मुझे। बट फटाफट निकलना भी है और एक दो काम भी है। और कहाँ जा रहे हैं आपको आगे पता चलेगा, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। बट थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, सारा मेकअप ना तहस नहस हो गया है। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में ही, मैं बाइक से जा रही थी। तो हम लोग आए हैं पिंड बलूच, तो मैं आपको फ्रेंड का व्यू दिखाती हूँ। सो ये मदन है, मदन के सामने ही ये पिंड बलूच विलेज ऑफ रेस्टोरेंट काफी अच्छा है। और ये है क्यूट क्यूट से सरदार जी। हाय सरदार जी, ये है क्यूट। और ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ सामने से एंट्रेंस है, पार्किंग है इधर इनका, और काफी बड़े में है। ऊपर भी कुछ है, बैंकेट टाइप का है ऊपर, नीचे पेंट का कुछ। तो जैसे ही इंटर करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का है, काफ़ी स्पेस है, एक तो स्पेशियस काफ़ी है। इनका ग्राउंड फ्लोर भी है, फर्स्ट फ्लोर भी है, शायद इनका ऊपर बैंकेट हॉल भी है, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस था। और आप पिंड बलूची के नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि इन्होंने कौन से स्टेट को डिपिक्ट किया है, पंजाब को। सो मोस्टली चीज़ें इनकी थीम बेस पे, पंजाब की थीम बेस पे थी। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इन्होंने बैंगल्स से डेकोरेशन किया हुआ है, कलरफुल बैंगल्स हैं हर जगह पर। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी यूनिक लगी। देन पंजाब का भांगड़ा बहुत फेमस है, तो इन्होंने 3D में ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सामने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ढोल है और आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए हुए थे, देन ये सीनरी है, पूरा पंजाब को डिपिक्ट कर रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और पिंड बलूची की एक्चुअली खुद की एक चेन है, तो ये आपको हर सिटी में मिल जाएगा रेस्टोरेंट्स। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और सामने किचन है, इनका वीकली स्पेशल भी चलता रहता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो हम लोगों ने पहले मंगवाया था स्टार्टर्स में, तो स्टार्टर्स में इनका वन ऑफ द बेस्ट जो स्टार्टर था वो था दही का कबाब, जो कि टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा था। इनकी चटनी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, माउथ वाटरिंग था ये। देन हम लोगों ने मंगवाया था चिकन कीमा विद तंदूरी रोटी और नान, बहुत तंदूरी रोटी और नान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, कीमा बहुत ज़्यादा टेस्टी था, हर फ्लेवर आपको समझ में अच्छे से आ रहा था। थोड़ा प्राइस ऑफ प्राइस थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू और रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, बट काफ़ी अच्छा था। देन हम लोगों ने लास्ट में बिरयानी मंगवाई, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, थोड़ा सा मुझे इसकी क्वान्टिटी कम लगी, वरना ओवरऑल बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर आप इलाहाबाद में हैं तो ज़रूर उसको ट्राई करिए, कोई अच्छा रेस्टोरेंट आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो। देन हम लोग को काफ़ी लेट हो गया था निकलते निकलते, सो हम लोग के जो भी आगे के प्लान्स थे हम लोगों ने उसको पोस्टपोन कर दिया था, क्योंकि सारे शॉप्स बंद हो चुकी थी इलाहाबाद में 9:30-10 के अराउंड, तो इसलिए। और अगर आपको इलाहाबाद एक्सप्लोर करना हो तो आप नाइट में निकलिए, इसकी यहाँ की लाइटिंग, स्ट्रीट फूड, रेस्टोरेंट और मॉल्स भी एक दो हैं, तो काफ़ी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स यहाँ पे नहीं है, बट कुछ हैं मे बी, शायद जो थोड़े बहुत और भी होंगे तो मुझे नहीं पता है, मैं आगे एक्सप्लोर करूँगी, ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा, और हम लोग को एक्चुअली वैन हुसैन में ही काम था, बट लेट हो गया था, शॉप भी बंद हो गई थी, तो इसलिए हम लोग प्रेफर किया कि हम लोग डायरेक्ट घर ही चलते हैं, तो फिर हम लोग अपना घर निकल गए थे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। बहुत गर्म लग रहा है, और सिर्फ एक ही जगह गए और कहीं तो गई नहीं, बट कोई नहीं, बहुत लेट हो गया था निकलते निकलते ही, और फिर वहाँ डिनर करते ही लेट हो गया था। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।